तो दोस्तों अभी आपने एक स्क्रीन पर एक नॉर्मल सा स्टेटस वीडियो देखा हुआ, जो कि आप अपने मोबाइल की मदद से आप इस तरीके के छोटे मोटे स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। अगर आप फोटो खींचते हैं तो आप कभी ना कभी उनको स्टोरी पर लगाते हो, क्यों ना आप स्टेटस वीडियो बनाकर आप अपने स्टेटसों पर लगाएं। तो ये सब आप कैसे कर पाएं, इसके लिए आपको ये वीडियो बड़े ध्यान से देखनी पड़ेगी। जो जो मैं आपको स्टेप था वो आपने फॉलो करना पड़ेगा और आप आसानी से इस तरीके की स्टेटस वीडियो बड़ी आसानी से बड़ी सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो इसके लिए आपने अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना, वो एप्लीकेशन आसानी से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और इसकी लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन दे दें, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली मैं इस अलर्ट मोशन को ओपन करूँ और आपको बताऊँ किस तरीके से आप ऐसी स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। तो सिंपली मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करूँगा। एप्लीकेशन ओपन हो जाने के बाद सिंपली आपने यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। जैसे आप प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ढेर सारे इसके रेशियो दिख जाएंगे। तो सिंपली आपने 9:16 यहाँ पर सिलेक्ट करना और यहाँ पर आपने क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना। जैसे आप ये सब कर देंगे तो उसका इंटरफेस फिर इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ एक प्लस का आइकन दिखेगा, तो सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ एक ऑप्शन दिखेगा इमेज एंड वीडियो, तो सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके ढेर सारे आपके फ़ोन के वो वीडियो और इमेज यहाँ पर शो हो जाएंगे। फिर आपने सिंपली ऑल व्यूज पर क्लिक करना और यहाँ से आप अपने एक प्यारा सा फोटो आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो फोटो ले लिया, फिर फोटो लेने के बाद यहाँ पर आपको प्लस का आइकन दिखेगा, तो सिंपली इस पर क्लिक करना। तो ये फोटो यहाँ पर एडजस्ट हो गई है। तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने फिल स्क्रीन पर आपने इसको कर देना है और यहाँ से इसको डन कर देना है। तो ये आपकी फ़ोटो इस तरीके से ऐड हो जाएगी। फिर आप अपने फ़ोटो पर क्लिक करके आप इसकी टाइम ड्यूरेशन उतनी बढ़ाती जाए जितनी आप अपनी स्टेटस वीडियो की रखना चाहती हैं। तो सिंपली मैं इस वीडियो की टाइम ड्यूरेशन 15 से 20 सेकंड कर लेता हूं। तो मैंने इस फोटो की टाइम ड्यूरेशन बढ़ा ली है। अब आपने क्या करना है, अब आपने वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि अब जो मेन काम होने वाला है कि इस फोटो में कैसे जान आएगी स्टेटस वीडियो बनी, वो अब आपने ध्यान से देखना है। तो सिंपली अब आपने अपने फ़ोन में से ढेर सारे आप इफेक्ट को डाउनलोड करिए, तो वो इफेक्ट आसानी से आपको यूट्यूब और गूगल से मिल जाए, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली मैं इस पर क्लिक करूँ और एक अच्छा सा प्यार सा इफेक्ट इस वीडियो के माध्यम से लूँगा। तो सिंपली आपने इमेज एंड वीडियो पर क्लिक करना है, यहाँ पर ऑल पे करना है, तो यहाँ पर आपके गैलरी वो आ जाएंगे, फिर आपने चुन लेना है। तो सिंपली मैं यहाँ से इस इफेक्ट को ले लूँगा और इसको सिंपली मैं क्लिक कर दूँगा और इसको भी मैं यहाँ से थ्री डॉट पे क्लिक करके और यहाँ फिल स्क्रीन पर कर दूँगा, तो ये पूरा पे आ जाएगा। और फिर अब क्या करूँगा, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा ब्लेंडिंग, तो सिंपली आप इस पर क्लिक करना और यहाँ पर आपने आसानी से आपने इसको लेटेन पर क्लिक करके यहाँ पर आपने लास्ट वाले ऑप्शन पर कर देना है। तो ये हो गया। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा बैक आना, बैक आने में यहाँ पर आपको एक ऑडियो का आइकन देखा, सिंपली आपने इसकी आवाज़ को कम कर देना है। ये करने के बाद फिर आपने क्या करना है, फिर आपने यहाँ पर एक अपने इस फोटो के ऊपर आपने एक PNG ऐड करनी है। तो सिंपली आपने इस पर क्लिक करिए, इमेज एंड वीडियो पर क्लिक करिए और यहाँ से आपके, तो यहाँ से प्लस का आइकन मैं ले लूँगा और इसको मैं थोड़ा कट करके यहाँ पर नीचे की तरफ उसको ऐड कर दूँगा। तो PNG ऐड करने के बाद फिर आपने क्या करना है, अब आपने अपने अपने स्टेटस वीडियो के लिए एक अच्छा सा लिरिक्स वाला स्टेटस जो भी म्यूजिक वाला वो आपने यहाँ पर लेना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, प्लस के आइकन पर क्लिक करना और आपने इमेज एंड वीडियो पर क्लिक करना और ऑल व्यू पर करना। यह भी आपको लिरिक्स इफेक्ट ढेर सारे आपको गूगल और यूट्यूब से मिल जाए, आप वहाँ से अपने हिसाब से उनको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फोटो के ऊपर अपने स्टेटस वीडियो के ऊपर उनको लगा सकते हैं। आप इस लिरिक्स को यहाँ से ऐड कर लेना और यहाँ पर आपने प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना और यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा ब्लेंडिंग, तो ब्लेंडिंग पर आपने क्लिक करके यहाँ पर आपने लेटिन पर क्लिक करना और यहाँ पर आपने स्क्रीन पर कर देना और इसको आप सिंपली आप उठा के इसको नीचे ले, तो सिंपली आप उसको थोड़ा सा चलाकर देख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने लास्ट में आ जाना है। लास्ट में आ जाने के बाद जो भी आपके ये एक्स्ट्रा भाग निकलने उनको आपने यहाँ से कट कर देना। तो सिंपली यहाँ से ऊपर इस पर क्लिक करना और यहाँ पर आपने इस वाले पे क्लिक कर देना, फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, इस वाले पे क्लिक करना। लगभग अब आपके ये जो भी एक्स्ट्रा भाग है वो आपके यहाँ से कट गए, अब आपके ये वीडियो यहाँ पर बन के रेडी हो गए। अब आपने यहाँ पर एक बार इसको चला कर देख सकते हैं, तो इस तरीके से आपकी ये वीडियो यहाँ पर बन के रेडी हो गए। अब आपने इसको अपने फ़ोन में कैसे सेव करना है वो चलिए देख लेते हैं। सिंपली आपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको एक शेयर का ऊपर जैसा आपको बटन दिखा, सिंपली आपने इस पर करना है क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन दिखा एक्सपोर्ट, तो सिंपली आपने इस पर करना है क्लिक। जैसे आप इस पर एक्सपोर्ट कर देंगे दोस्तों, फिर ये आपकी स्टेटस वीडियो
आपके गैलरी में सेव हो जाएगी, फिर आप इस स्टेटस वीडियो को कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं और स्टेटस के रूप में इसको लगा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।